सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं भरवा भिंडी की सब्जी। आज हमने भरवा भिंडी बनाई है तो हम उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले हमने स्पीकर ऑर्डर किया था जो कि अमेजॉन से मंगवाया था अपने आयुष्मान के लिए। वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे, कई दिनों से कह रहे थे। 15 अगस्त पर थोड़ा उनका मन था गाने सुनने का, तो हमारा स्पीकर ख़राब हो चुका था, नहीं था, तो हमने 15 अगस्त के दिन ही ऑर्डर किया था जो कि आज आ चुका है। तो आज हम आपको भी दिखाएंगे कि हमने कैसा स्पीकर मंगाया है। आप सब लोग हमारा स्पीकर देखिए। ये देखिए, हमने स्पीकर मंगवाया है जो कि आयुष्मान के लिए, उनके कहने पर हमने मंगवाया था। तो ये देखिए, इसमें माइक भी है और ये देखिए लीड भी है, काफ़ी लंबी लीड है जो कि कनेक्ट की जा सकती है। और ये माइक है जो कि इसमें ऐसे करके इसमें ये फंसाई जाती है और ये लीड कनेक्ट कर दी जाती है इसमें, तो काफ़ी दूर तक ये कैच करता है। और इसमें FM भी है, आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये 700 का है, 700 से कुछ कम का है फ्रेंड्स। तो ये आज ही आया है और इसे देख कर आयुष्मान हमारे बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, तो मुझे भी पसंद आया है। बच्चे अपना सिंगिंग करना चाहें अगर तो सिंगिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। माइक भी अच्छा दिया हुआ है, मैंने इसको लगाकर चेक भी किया है तो काफ़ी अच्छा है। तो आपको ये हमारा स्पीकर कैसा लगा, ब्लूटूथ स्पीकर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इस पर आप ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल से, अपना भी मनोरंजन हो जाएगा इससे। FM लगा के हम कोई भी काम करेंगे तो इसको बजा लेंगे, FM लगा लेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है और बहुत ज़्यादा हल्का है फ्रेंड्स। ये देखिए कितना हल्का है। और इसमें एक डोरी और भी दे रखी है, ये देखिए इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें USB भी कनेक्ट होता है, आप इसमें मेमोरी कार्ड भी लगा सकती हैं, मेमोरी कार्ड लगा करके भी आप सॉन्ग सुन सकती हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अमेजॉन का लिंक भी दे देंगे और मीशो का कोड भी हम दे देंगे कि मीशो पे इसका क्या कोड है। तो अगर आप मंगवाना चाहें तो इसको मंगवा सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों के लिए भी बहुत बेस्ट है। चलिए देखते हैं कि हम भरवा भिंडी कैसे बना रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब। तो ये हमने भिंडी ले ली है, हमने इनको साफ कर लिया है फ्रेंड्स। ये हम आधा किलो भिंडी मार्केट से लाए थे जिसमें कुछ भिंडी टाइट निकल गई जो हमने हटा दी है। तो हमने मुलायम मुलायम बराबर की भिंडी ली है तो इनको हमने साफ कर लिया है। और अब देखिए हम इसको कैसे कट करेंगे। हम इसका ऊपर का सिरा काट देंगे और नीचे का सिरा भी काट देंगे और बीच से हम चीरा लगा देंगे। तो देखिए बीच से हम चीरा लगा दिए हैं। चीरा आप संभाल के लगाइए, आपकी भिंडी पूरी ना कटे, सिर्फ आपका चाकू बीच तक ही जाए। तो ये हम देखिए कैसे लगा रहे हैं, आपको ऐसे ही चीरा लगाना है। तो एक एक करके सारी भिंडी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए हमने सारी भिंडी कट कर ली है। भिंडी कट करने के बाद अब हम मसाला रेडी करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए मसाला जब हमारा बन जाएगा तो हम इसी के बीच में मसाला भरेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए हमने प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लिया है। तो अब हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची। मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तभी आप ज़्यादा मिर्ची डालिए, नहीं तो आप मीडियम मिर्ची डाल लीजिए। और धनिया पाउडर हमने थोड़ा सा लिया है। और धनिया पाउडर के बाद हम डालेंगे इसमें करेला मसाला, जो हम करेला बनाते हैं, जो मसाला हम करेले में डालते हैं वही मसाला हम डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर, इसको खटाई भी कहते हैं। तो हमने 1 चम्मच खटाई ले ली है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है तो अभी हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। तो ये हमने नमक डाल लिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा अच्छा सा बढ़िया पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम इस पेस्ट को भिंडियों के बीच में भर देंगे, जैसे हमने कट लगाया था उसी कट पे हम बीच से फाड़ के
भिंडी को हम बीच से खोल देंगे और उसी के बीच में ये मसाला हम भरेंगे। तो देखिए हम मसाला कैसे भर रहे हैं, आपको भी ऐसे ही मसाला भरना है फ्रेंड। तो हम बीच में इसको अच्छे से मसाला भर देंगे और थोड़ा सा दबा करके अच्छे से इसके अंदर मसाला फिट कर देंगे ताकि पकाने पे हमारा मसाला बाहर ना निकले। तो ये हमने मसाला भिंडी के बीच में भर दिया है और ऐसे ही एक एक करके हम सारी भिंडी में मसाला भर देंगे। ये भिंडी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप चाहें तो इसको रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, आपको चावल के साथ भी अच्छी लगेगी, और आप रोटी के साथ खाना चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकती हैं। ये हमारी बहुत ही टेस्टी और चटपटी भिंडी बनकर तैयार होती है, ये मुझे बहुत पसंद है। घर में सभी को भरवा भिंडी पसंद है, लेकिन थोड़ा झंझट की वजह से हम कभी कभी इसको बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सब मसाले सारी भिंडियों में भर लिए हैं। अब हमने गैस को ऑन कर दिया है, अब हम डालेंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल हमने डाल दिया, जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। एक चम्मच के करीब हमने अजवाइन डाली है। तो अजवाइन जब हमारी पक जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे भिंडी। तो अजवाइन हमारी पक चुकी है और अब हमने भिंडी भी डाल दी है। तो भिंडी डालने के बाद हम इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे, आराम से हम भिंडी डाल देंगे, क्योंकि मसाले हैं तो मसाले बाहर भी निकल सकते हैं, तो इसलिए हम इसको आराम से डाल देंगे और ज़्यादा इसको चलाएंगे नहीं। अभी ऐसे ही हम इस पर ढक्कन लगा देंगे। तो देखिए हमने सारी भिंडी कढ़ाई में डाल दी है और अब हम ऊपर से एक प्लेट लेंगे और ऊपर से इसको ढक्कन लगा देंगे, ढक देंगे। 3 मिनट तक हम ढक्कन लगा रहने देंगे, उसके बाद हम फिर से ढक्कन को उठाएंगे और भिंडी को पलट देंगे। जो हमारी नीचे की भिंडी है उसको ऊपर कर देंगे और ऊपर की भिंडी नीचे कर देंगे। तो ये देखिए हमारी जो नीचे की तरफ भिंडी थी वो पकने लगी है और ऊपर की हमारी भिंडी कच्ची है। तो हम इसको अच्छे से चला देंगे ताकि हमारी भिंडी जो कच्ची रह गई है ऊपर वाली वो भी पक जाए। अभी थोड़ा सा हम इसको फिर से ढकेंगे, हमें बहुत तेज नहीं चलाना है, हमें आराम आराम से चलाना है इसको। तो देखिए हमने भिंडी को अच्छे से चला दिया है और अब हम दोबारा इस पर फिर से ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट के बाद हम फिर से ढक्कन को उठा लेंगे, फिर हम इसको चला देंगे। अब हम इस पर ढक्कन नहीं लगाएंगे, हम इसको खुला ही पकाएंगे थोड़ी देर तक, क्योंकि अगर हम इसको बार बार ढक के पकाएंगे तो फिर ये भिंडी हमारी पूरी फूट जाएंगी। तो अभी हम इसको खुला ही पकाएंगे। देखिए हमारी भिंडी का कलर चेंज हो चुका है, हमारी भिंडी बस पककर रेडी है। अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है, भिंडी हमारी बन गई।